लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग प्रत्याशियों के बीच गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। अगर हम कानपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें से कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो कारणों से समझा जा सकता है कि पहला कारण ये कि बीजेपी खासकर जब भी कोई अपना चुनावी आयोजन की तैयारी करती है या चुनाव की शुरुआत करती है तो वो कानपुर से करती है। दूसरा इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कानपुर की अगर बात करें तो बीजेपी की जो भी लिस्ट में कानपुर का नाम होता है वो हमेशा या ज़्यादातर आखिरी लिस्ट में कानपुर के प्रत्याशियों का नाम होता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि उस पर काफ़ी मंथन चलता है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 की अब बात करें तो यहाँ के जो राजनीतिक हलके हैं उसमें अब सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, अलग अलग चर्चाएँ हो रही हैं, कौन कैंडिडेट हो सकता है, आखिर किसको मिलेगा कानपुर से सांसदी का टिकट। एक एक करके हम प्रत्याशियों के बारे में बात करते हैं और बल्कि प्रत्याशी क्या उन चर्चाओं के बारे में बात करते हैं जिन चर्चाओं में ये नाम आ रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है निश्चित तौर पर जो वर्तमान सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, उनका नाम आता है। सत्यदेव पचौरी चुनाव जीत के आए थे, उसके बाद से वो 5 साल लगातार सांसद भी रहे और उसके बाद उनको एक साथ ये भी माना जाता है कि वो आरएसएस के काफ़ी करीबी हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी रहती है। लेकिन एक चीज़ उनके साथ में या ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो राजनीतिक चर्चा करते हैं उनमें एक चीज़ आ रही है सामने कि सत्यदेव पचौरी की उम्र 75 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है। और जैसा कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी केंद्र में तो उसने इस बात का ऐलान किया था कि जो भी 75 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे, महत्वपूर्ण पद दे सकते हैं लेकिन जो विधानसभा या लोकसभा का टिकट है वो उनको नहीं देंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं सत्यदेव पचौरी की गोट इस मामले में फंस सकती है। दूसरा एक जो नाम निकल के आ रहा है राजनीतिक गलियारों में वो है नीतू सिंह का। नीतू सिंह सत्यदेव पचौरी की बेटी हैं, उनकी शादी दूसरे घराने में हुई थी और जिस घराने में उनकी शादी हुई थी वो घराना आरएसएस का संस्थापक घराना माना जाता है। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाम हो जाता है। हालाँकि एक बात और है कि जब मेयर सीट की बात हो रही थी उस समय भी नीतू सिंह का नाम आया था और यहाँ तक मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो गई थी कि अब नीतू सिंह का टिकट कानपुर मेयर के लिए फाइनल हो चुका है। लेकिन ऐन मौके पर मात्र एक दो दिन पहले ही वो नाम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो उस समय की निवर्तमान मेयर थी प्रमिला पांडे उनको दोबारा से टिकट मिल जाता है। तो एक नाम नीतू सिंह का भी चर्चा में आ रहा है। हालाँकि कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि अगर बीजेपी की कार्यशैली देखी जाए तो जो नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है वो नाम पर विचार बीजेपी फिर नहीं करती है। जैसा कि अगर हम देखें जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए थे उस पर चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, लेकिन जिस तरीके से एकदम एक नया नाम सीएम के लिए आया और वैसे भी उससे पहले भी कई ऐसे सारे पद रहे हैं जिस पे बीजेपी की तरफ से जो नाम दिया गया वो बिल्कुल अप्रत्याशित थे। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि नीतू सिंह का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आने की वजह से शायद आगे कंसीडर होता है या नहीं होता है ये तो खैर बीजेपी तय करेगी। तीसरा नाम जो एक चर्चाओं में आ रहा था वो आ रहा था विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। सतीश महाना बहुत लंबे समय से कानपुर में विधायक रहे हैं, बहुत सारे चुनाव वो जीत चुके हैं, 7-8 चुनाव जीत चुके हैं और वो एक लोकप्रिय विधायक भी माने जाते हैं कानपुर के। हालांकि इस समय वो काफ़ी बड़े पद पे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो इसलिए भी इस बात पे विराम लगता नज़र आ रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के बाद सांसदी का चुनाव वो लड़ते हैं या पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है या वो खुद भी लड़ना चाहते हैं कि नहीं चढ़ना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम आगे बात करें इस पर तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं वो इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। प्रवीण, कानपुर नगर लोकसभा सीट पे क्या लगता है कि बीजेपी से कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही हैं? देखिए 2019 में कानपुर से मुरली मनोहर जोशी जी के जाने के बाद सत्यदेव पचौरी को टिकट मिला, अच्छे मार्जिन से जीते। ज़मीन के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम के माने जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़े समीकरण बदले हुए लग रहे हैं। हाल के जो 3 राज्यों के चुनाव में जो बीजेपी को सफलता मिली और जिस तरीके से नया नेतृत्व आया है और हाल फिलहाल कुछ खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि बीजेपी
भविष्य के लिए नए नेतृत्व को उभारना चाहती है। तो उसमें से कुछ सांसदों के ऐसे टिकट काटने की बात है जो दो बार रह चुके हैं, जिनकी उम्र 75 से ज़्यादा हो गई है। अगर 75 साल वाली एज लिमिट को हम एक मानक मान लें तो लगता है कि पचौरी जी टिकट नहीं पाएंगे। लेकिन राजनीति में सिर्फ किसी एक पहलू को आगे रखकर डिसीजन नहीं होते, बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं। कानपुर लोकसभा सीट जो है अपर कास्ट मतदाताओं का बाहुल्य है इसमें, खासकर ब्राह्मणों का, और निर्णायक होते हैं ब्राह्मण इस सीट पर, तो किसी की दावेदारी इतनी आसानी से खारिज नहीं की जा सकती। हाँ, कानपुर में कई लोग जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से, खासकर एक पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, उनके परिवार के लोग पिछले कुछ दिनों से कानपुर में एक्टिव हैं। एक और ब्यूरोक्रेट के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी हमें कुछ दिन और देखना होगा, अगले 15-20 दिन, एक महीने, खासकर जनवरी का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्या कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपनी नौकरी पूरी करके या बीच में VRS लेकर राजनीति में आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी से ही कोई बड़ा नेता जो ब्राह्मण फेस हो सकता है उसको कानपुर से उतारा जाए। तो पूरी तरीके से क्लैरिटी आने में मुझे लगता है अभी एक महीने का समय बाकी है। तो जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है उनका तो ये कहना है। एक बात और, जो बीजेपी के बीच में चर्चा चल रही है, जो हमारे बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी आला कमान जो कानपुर के वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, उनसे लगातार टच में बनी हुई है और उनसे लगातार बात हो रही है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है शायद जो वर्तमान विधायक इस समय हैं उसी में से किसी को टिकट दे दिया जाए।